गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आप सबको पढ़ाने वाली हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पहला पाठ। पहले पाठ का नाम है आपके झूला। लेकिन सबसे पहले हम लोग आपको पढ़ाएंगे आपके बारे में, जिसमें आपका नाम, आपकी अध्यापिका का नाम और आपके पिता, आपकी माता, जो भी नाम है, सब नामों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहले नाम ही नाम लिखा हुआ है। क्या लिखा है? नाम ही नाम। तो सबसे पहले हमें क्या जानना जरूरी है? सबके नामों के बारे में। यहाँ पे लिखा है मेरा नाम सुहानी है, तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ पे आपसे कोई पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो क्या आप लिखेंगे? जो भी आपका नाम है वही लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा है मेरा नाम सुहानी है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ था कि क्या नाम है, तो मैंने क्या लिखा? सुहानी है। लेकिन अगर आपका नाम दूसरा है तो यहाँ पे नाम दूसरा लिखेंगे। मेरे शिक्षक या शिक्षिका का नाम क्या है? तो शिक्षक शिक्षिका जो भी आपके हैं, आप यहाँ पे उनका नाम लिखेंगे। मैंने यहाँ सीमा मैम एक अलग नाम लिख दिया है, तो आप जो भी लिखना चाहें वो लिख देंगे। उन चीज़ों के चित्र बनाओ जो तुम्हारी कक्षा में हैं। आपको वह चित्र बनाना है जो आपकी कक्षा में हैं। जैसे टेबल है उसे बनाना, डेस्क है उसके बनाना, चेयर है उसे बनाना, यहाँ पे एक बैग बना हुआ है तो आपको बैग भी बनाना है। जो भी आप बनाना चाहें उसे आप बना सकते हैं। बच्चों, क्लास में आपके मेज भी होता है, जो कि हम यहाँ पे एक बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिखा है उन चीज़ों के चित्र बनाना है जो आपकी कक्षा में है, जैसे मेज। तो हम यहाँ पे एक मेज बना देंगे जो कि आमतौर पर सभी कक्षा में होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या बनाएंगे? एक मेज बना देंगे। आप और कुछ भी, चेयर भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या बना रहे हैं? एक मेज बना रहे हैं। अगर आप चाहें तो चेयर भी बना सकते हैं। इसमें कक्षा में बना हुआ कोई भी चित्र बनाना है, तो मैंने यहाँ पे एक मेज बना दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर चेयर भी बना सकते हैं, एक कुर्सी भी बना सकते हैं जिस पे आपकी अध्यापिका लोग बैठती हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बैग बना हुआ, तो आप बैग भी बना सकते हैं। आपको क्या करना है? आपके कॉपी के पहले पाठ में इन लाइनों को लिखना है, फिर ये एक दो चित्र जो है उसे बनाना है और उसका नाम लिखना है। बस इतना आपको करना है। मैं सुहानी और तुम्हारा दोस्त हूँ, जरा सोचो मेरा नाम क्या हो सकता है। कोई भी एक नाम लिख सकते हैं आप इसमें। अब पिछले पन्ने पर जाओ, देखो वहाँ क्या मिला क्या नहीं मिला। इसके बाद इतना आप लोग एक कॉपी के पहले पेज में ये दोनों लाइनें लिखेंगे और ये चित्र बनाएंगे। बस उसके बाद हम लोग आ जाएंगे आपके पहले पाठ, जिसका नाम हमने बताया था, जिसका नाम है झूला। तो हम लोग आप अपने पहले पाठ झूला पर आ जाएंगे। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले बच्चों, जब हम छोटे होते हैं तो हमारी अनेक इच्छाएं होती हैं कि हम झूला झूलें, हम घूमने जाएं, ऐसा हम लोग सोचते हैं। तो इसमें बच्चा जिद कर रहा है कि माँ एक झूला बना दो, झूला डाल दो, ऐसा जिद कर रहा है। पहले क्या होता था बच्चों, कि हम लोग पेड़ की जो डाली होती थी उससे रस्सी बांधकर झूला तैयार करते थे, और किसी भी लकड़ी का कोई पटरा लगाकर उस झूले को तैयार कर लेते थे। तो पहले हम क्या करेंगे? इस कविता को पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद इसका अर्थ समझेंगे। अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। इसमें बच्चा कल्पना कर रहा है कि अम्मा आज लगा दे झूला, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान को मैं छू लूंगा। झूला झूल रही है डाली, झूल रहा है पत्ता पत्ता, इस झूले पर बड़ा मजा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता।
झूल रही नीचे की धरती, उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बरस रहा है रिम झिम उड़कर मैं लूटूं दल बादल। बच्चा क्या झूले से कितनी कल्पना कर रहा है, वो ऐसा सोच रहा है कि मैं झूले पर अगर चढ़ूंगा तो बहुत ऊपर बढ़कर चला जाऊंगा और आसमान को भी छू लूंगा। अम्मा आज लगा दे झूला, बोल रहा है कि हे माँ आज एक झूला तैयार कर दो जिस पे मैं झूलूंगा, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस झूले पर मैं इतना तेज झूलूंगा, इस पर मैं चढ़कर या इस पर बैठकर ऊपर बढ़कर और ऊपर की ओर उड़कर अपने झूले को ऊपर की तरफ ले जाऊंगा और आसमान को मैं छूलूंगा और इस झूले को झूलते हुए मैं आसमान को छूलूंगा। बच्चा सोच रहा है कि ये झूला इतना ऊपर तक चला जाएगा कि मैं आसमान को छू लूँगा। ऐसा जब बच्चे होते हैं तो कल्पना करते हैं कि मैं ऐसा कर लूँगा तो उन्हें अच्छा लगता है। झूला झूल रही है डाली, झूला झूल रही है डाली। जब हम लोग झूला झूलते हैं तो सिर्फ हम नहीं झूलते हैं, साथ साथ में जो डाली होती है वो भी पूरी तरह से झूलती है और हिल रही होती है, क्योंकि जितना तेज़ हम झूलते हैं डाली भी उतना तेज़ झूलती है, उसके साथ साथ पत्ते भी झूलते हैं। झूल रहा है पत्ता पत्ता और एक एक पत्ता हिल रहा है। जितना तेज़ हम झूला झूलते हैं डाली भी उतनी तेज़ झूलती है और एक एक पत्ता भी झूलता है। जितना आनंद हमें प्राप्त होता है उतना उसे भी प्राप्त होता है। इस झूले पर बड़ा मज़ा है, हे माँ इस झूले पर बहुत मज़ा आ रहा है, चल दिल्ली ले चल कलकत्ता। माँ चलो इसी पर दिल्ली चलते हैं और कलकत्ता भी ले चलते हैं। हे माँ इस झूले से हम लोग दिल्ली और कलकत्ता भी जा सकते हैं। झूला झूल रही है नीचे की धरती, झूल झूल रही नीचे की धरती, नीचे की धरती भी झूल रही है। धरती तो नहीं झूल रही है लेकिन जब हम ऊपर झूला झूल रहे होते हैं तो अगर हम नीचे देखें तो हमें लगता है कि जो धरती है वो भी आगे पीछे हो रही है। उसी को बच्चा समझ रहा है कि धरती भी झूला झूल रही है। जब हम जितना तेज गति में झूला को झूलते हैं धरती भी आगे पीछे होती है। उड़ चल उड़ चल उड़ चल उड़ चल, बच्चा सोच रहा है कि हे माँ उड़ चल उड़ चल। हम उड़ चलते हैं और खूब दूर उड़ चलते हैं और फिर इसी झूले के साथ उड़ चलते हैं। बरस रहा है रिम झिम उड़ कर मैं लूटूं दल बादल। बरस रहा है रिम झिम, बारिश रिम झिम बरस रहा है, उड़ कर लूटूं और मैं उड़ कर लूट सकता हूँ दल बादल। मैं उड़ कर दल बादल, मैं बादलों को भी पकड़ सकता हूँ या लूट सकता हूँ, बादलों को चुरा सकता हूँ। जो ये रिमझिम बादल बरसते हैं माँ, मैं इस झूले से उड़कर उनको भी लूट सकता हूँ, चुरा सकता हूँ, उन बादलों को भी मैं चुरा सकता हूँ। बच्चा सोच रहा है कि झूला बहुत ही कारीगर है, इससे मैं चलकर दिल्ली कलकत्ता जा सकता हूँ, बादलों को चुरा सकता हूँ और इससे उड़कर मैं कहीं भी जा सकता हूँ, दुनिया की हर चीज़ पा सकता हूँ। ऐसा बच्चा झूला झूलते हुए सोच रहा है और माँ से जिद कर रहा है कि हे माँ आज झूला लगा दो, मैं उस झूले पे झूलूँगा और झूलने के बाद आसमान को छूऊँगा, दिल्ली कलकत्ता जाऊँगा और उड़ता ही चला जाऊँगा और रिमझिम जो बादल बरसते हैं उनको भी मैं इस झूले के माध्यम से चुरा सकता हूँ। बच्चों आपको अपनी कॉपी लेनी है, उस पे पहले एक झूले का चित्र बनाना है जो कि मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ बनाना। पहले आप एक डाली बनाएंगे पेड़ की, जिसमें फिर आप एक झूला बनाएंगे। बच्चों इस तरह से आपसे जो भी बन पाएगा उस तरह से एक झूला बनाएंगे। जब आपका झूला बन जाएगा तो
फिर इसको आप चाहें तो कलर भी कर सकते हैं, जो भी आपका कलर पसंद होगा उससे आप इसको कलर कर सकते हैं। इसे आपको अपनी कॉपी में बनाना है, और उसे बनाने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि यहाँ पे अपनी कविता की लाइनें लिखना है। तो आप लोग क्या लिखेंगे, पहले यहाँ पे अम्मा, यहाँ पे आप लोगों को लिखना है अम्मा आज लगा दे, अम्मा आज लगा दे झूला। इस तरह से आप लोगों को लिखना है अम्मा आज लगा दे झूला। इस झूले पर मैं झूलूं, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस झूले पर मैं झूलूंगा, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर। आप लोगों को लिखना है कि इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर, इस पर चढ़कर ऊपर बढ़कर आसमान आसमान को मैं छू लूंगा। इस तरह से बच्चों मैंने चार लाइन लिखा है, लेकिन इस कविता में और भी जो लाइनें हैं आप दूसरे पेज पर यहाँ पे पूरा लिखेंगे। यहाँ पे आपका डेट पड़ा होना चाहिए और यहाँ पे आप लोगों को पूरा लिखना है। बच्चों आज के वीडियो में बस इतना ही, अब आगे आपको क्या लिखना है वो हम दूसरे वीडियो में आपको देंगे। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।